हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों में सब बच्चों का आइसक्रीम खाने का बहुत दिल करता है, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए घर पे ही आइसक्रीम बनाई जाए। तो घर पे रखी तीन चीज़ों से मैंने बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनाई। इसके लिए ना हमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही कस्टर्ड की। बस आप दूध लीजिए और उसको गाढ़ा होने तक बॉयल कीजिए। दूध को हाफ़ कर लीजिए बॉयल करके, और उसमें अपनी पसंद के अनुसार चीनी डाल दीजिए। एक जार में आम लीजिए और उसके साथ थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मैश कर दीजिए, जिससे चीनी अच्छे से क्रश हो जाए। आम और चीनी का मिक्सचर अच्छे से क्रश करने के बाद इसमें आपको गाढ़ा किया हुआ दूध मिलाइए और इसको मिक्सी के जार में चलाइए। दूध गाढ़ा करने के बाद इसमें किसी कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत नहीं होती और ये एकदम रबड़ी जैसी बनती है। इसके बाद इसको आप ग्लासेस में सेट कर लीजिए। आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड है तो उसमें भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो ग्लासेस में इस तरह से डाल के आइसक्रीम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। इन ग्लासेस के ऊपर हम फॉइल पेपर लगाएंगे, जिससे कि आइस इनके ऊपर ना जमे। सब ग्लासेस के ऊपर अच्छे से फॉइल पेपर लगा के उन्हें रबड़ से टाइट कर लीजिए। और फॉइल पेपर लगाने के बाद इनके ऊपर आइसक्रीम स्टिक इस तरह से सेट कर दीजिए। अब इसके बाद हम इन ग्लासेस को फ्रीज़र में रखेंगे आइसक्रीम के लिए। लगभग 7 से 8 घंटे में आइसक्रीम जम जाती है। देखिए, अब हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। इसको निकाल कर देखते हैं। इसको डीमोल्ड करने के लिए एक पतीले में पानी लेके इस गिलास को उसमें डाल दीजिए। कुछ 1-2 सेकंड में ही ये डीमोल्ड इजीली हो जाएगी। देखिए आइसक्रीम कैसे आराम से निकल रही है और कितनी बड़ी आइसक्रीम बनी है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों को घर की साफ़ आइसक्रीम खिला सकते हैं, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू।